आज मदर्स डे, मैंने कल अपनी मम्मी के लिए स्कूल में बैठकर मदर्स डे का कार्ड बनाया था। तो मदर्स डे का कार्ड मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। तो ये रहा मेरा मदर्स डे का कार्ड, देखिए ये है मदर्स डे का कार्ड। और ये मैंने कार्ड के लिए इनके लिए ही बनाया है। और इस पर जो लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, हैप्पी मदर्स डे माँ। ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। एक चीज के नीचे और लिखी है, वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में एक, मेरी माँ है लाखों में एक। बहुत बढ़िया कार्ड है, आप भी एक बार और देख लीजिए। अब बाकी मम्मी आपको यहाँ देखना है। ये बनाया है चलिए, जो कुछ भी बनाया अच्छा है। और आप लोगों को भी हैप्पी मदर्स डे, ऑल ऑफ यू, पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी मदर्स डे। और मैं कुछ और भी बोलना चाहती थी कि छोटे में तो बच्चों को ज़रूरत ही होती है मम्मी पापा की, तो उनका प्यार ऑटोमेटिक नेचुरली है। बट हम लोगों के प्यार की रियल टेस्टिंग तब होती है जब हम लोगों के पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, और टोटली हम लोगों पर जब वो डिपेंड होते हैं अपने हर काम के लिए, तो उस वक्त हम लोग जो प्यार उनके लिए दर्शाते हैं वही रियल लव है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दें, बहुत प्यार करें, उनकी हर बात को माने, क्योंकि वो जो कुछ भी हम लोगों को बताते हैं वो हम लोगों के भले के लिए ही बताते हैं, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो इसलिए वो बात बताते हैं। वो अनपढ़ नहीं होते हैं, वो गंवार नहीं होते हैं। वो अक्सर बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि आपको क्या पता है, ज़माना बदल रहा है, तो वो ज़माना वो देखे हुए होते हैं पहले से तो इसलिए उन लोगों की बात माननी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो असली टेस्टिंग तो तभी होगी जब वो ओल्ड हो जाएंगे और वो हर बात के लिए हम लोगों पर डिपेंड होंगे, तो हम लोग उनको बिना किसी रूडनेस के उनको जो प्यार करेंगे, जैसे आज वो हम लोगों को प्यार कर रहे हैं बुढ़ापे में, वही केयर और वही चीज़ उन लोगों को चाहिए, तो तब वो हम लोगों का एग्ज़ाम होगा रियल कि हम लोग उनको कितना रिस्पेक्ट दे पाते हैं, कितनी उनकी सेवा कर पाते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी मम्मी पापा का कहना माने, क्योंकि वो जो भी कहेंगे बिल्कुल आपके भले के लिए ही कहेंगे। वो आपको पढ़ने के लिए भी बोलते हैं, तो वो भी उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। आप लोगों की लाइफ अच्छी बन सके, आप लोग अच्छे बन सको, आगे बढ़ सको, अपना करियर अच्छा बना सको, इसलिए वो आप लोगों से ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अब आजकल तो सभी को पता है कि बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, बाहर उनकी जॉब लग जाती है, फिर माँ बाप को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन उनको अपना स्वार्थ नहीं देखना है, वो सिर्फ आप लोगों का भला चाहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे मेरा क्या होगा। बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है, इसलिए मम्मी पापा से बढ़कर कोई नहीं होता है। और आप क्या पता नहीं होते कुछ और इस माँ का ना होना क्या होता है, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अभी लाट जरूरी है, मेरी माँ भी चली गई मुझे छोड़ के। तो भगवान करे आप लोगों की माँ आप लोगों के साथ बहुत साल तक रहें, हमेशा तो कोई नहीं रह सकता है आई नो, बट काफ़ी साल आप लोगों के साथ उनका साथ रहें। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को दुख मत देना, बहुत खुश रखना, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका उनके साथ बीते। आज के दिन मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ, कोई भी होगा मिस करेगा, माँ से बढ़कर कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स।